तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू चैनल। एंड आज बताने वाला हूँ आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके टाइप्स, ऑल थिंग्स इन दिस वीडियो। तो देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। व्हेन अ राइज ऑफ लाइट अप्रोचेस ऑन सरफेस एंड द लाइट रे बाउंसेस बैक इन सेम मीडियम, इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जब इंसिडेंट रे उस किसी प्लेन मिरर में या कि स्ट्राइक होती है और वापस उसी एंगल से बेंड होके जाती है तो उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जो इंसिडेंट रे होगी और रिफ्लेक्टेड रे, जो नॉर्मल मीन्स इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच की जो लाइन होती है उसके हम नॉर्मल कहते हैं। वो जो रहते हैं वो मिरर में एक ही साथ तो एक ही लाइन में लाई करते हैं। दूसरा, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके बराबर है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, स्पेकुलर या इरेगुलर रिफ्लेक्शन और या डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो स्पेकुलर मीन्स रेगुलर रिफ्लेक्शन में सही रेज जैसी आती हैं वो उसी एंगल में जाती हैं, पर इरेगुलर रिफ्लेक्शन में जो मतलब रेज आएंगी वो कहीं भी डिफरेंट डिफरेंट वेज में चली जाएंगी। अब हम पढ़ते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है। रियल इमेज, लाइट रेज एक्चुअली मीट टू फॉर्म अ रियल इमेज। वर्चुअल इमेज, लाइट डू नॉट एक्चुअली मीट टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। सेकेंड, इमेज इज जनरली इन्वर्टेड। सेकेंड, इमेज इज जनरली इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी। इमेज कैन बी ऑब्टेंड ऑन अ स्क्रीन, ये स्क्रीन में ऑब्टेन होगी। ये जो वर्चुअल इमेज है, इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेंड ऑन द स्क्रीन। इमेज इज इन फ्रंट ऑफ मिरर, बिहाइंड द लेंस। ये फ्रंट ऑफ मिरर तो होगी पर मिरर के पीछे। द इमेज इज बिहाइंड द मिरर एंड फ्रंट ऑफ लेंस। ये मिरर के पीछे होगी और लेंस के आगे होगी। इसके हम लोग इसके पास पहुँच सकते हैं पर ये वर्चुअल इमेज में हम इसको नहीं पहुँच सकते। एग्जाम्पल, ए प्लेन मिरर रियल इमेज एग्जाम्पल है सिनेमा स्क्रीन। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। पहला, इमेज ऑब्टेन इज वर्चुअल। वर्चुअल के बारे में पहले आपको बता चुका हूँ। इमेज इज रेटलरी इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मीन्स उल्टी। पलेटरी मीन्स अगर आप शीशे में देखेंगे तो आपका हाथ, अगर शीशा को राइट हैंड दिखाएंगे तो शीशा आपको लेफ्ट हैंड दिखाएगा। इमेज इज इरेक्ट। इरेक्ट मीन्स सीधी। द साइज ऑफ इमेज इज द सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितनी साइज इमेज की होगी उतनी साइज ही ऑब्जेक्ट की होगी। और डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट ऑब्टेन इन सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। जितनी डिस्टेंस इमेज से मिरर तक होगी उतनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से मिरर तक होगी। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसका मैं पार्ट टू में कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बताने वाला हूँ पूरी डिटेल। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। पार्ट टू कुछ ही दिनों में आ जाएगा, देखना नहीं भूलिएगा।